तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ओके क्रेडिट टाइप करना है, उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने पर हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम मोबाइल वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने एक मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम ग्रीन सर्कल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक OTP हमारे इस मोबाइल नंबर पर आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका ये जो नंबर है वेरीफाई यहाँ पर हो जाएगा। ये मोबाइल वेरिफिकेशन हमारा सफल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ बैकअप का डाटा अभी यहाँ पर मेरा जो है फ़ोन ले रहा है, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी एप्लीकेशन यहाँ पर यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को जिस सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बस आप उस तरीके को ध्यान से समझ लीजिए, तो बहुत ही आसान ये एप्लीकेशन आप लोगों के यूज के लिए हो जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऊपर 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसकी एक प्रोफाइल सेट कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किराना स्टोर नाम से मैंने अपनी प्रोफाइल पहले से बना रखी थी। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे ऊपर हमारी एक दुकान की या जो भी आपका प्रोफेशन है उसकी एक फ़ोटो यहाँ सेट कर सकते हैं। कैमरे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ गैलरी और कैमरा दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अगर आपकी गैलरी में पहले से कोई फ़ोटो है तो आप उसे यहाँ अपलोड कर दीजिए, या फिर कैमरे से क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपने बिजनेस का यहाँ पर नाम सेट कर सकते हैं। तो हम किराना स्टोर पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके बिजनेस और प्रोफेशन का नाम है आप वह यहाँ पर 500 कैरेक्टर में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक किराने की दुकान का नाम सेट कर लिया। उसके बाद हम ग्रीन सर्कल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन है फ्रेंड्स, हम अपने बिजनेस का या प्रोफेशन का कोई एक मोबाइल नंबर सेट कर सकते हैं और उसे बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो आपने अपने डिजिटल खाता है जिस मोबाइल नंबर से बनाया था उसको चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पुराने मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर नया नंबर डालेंगे। नया नंबर डालने के बाद हम ग्रीन सर्कल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे नए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि वो नया मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में करंट टाइम पर होना चाहिए और आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेगा। उसके नीचे वाले ऑप्शन में हमें बिजनेस का अपना प्रकार लिखना है, आपका व्यापार किस तरीके का, रिटेल शॉप है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है, पर्सनल यूज़ में आप इस ओके क्रेडिट को यूज़ करना चाहते हैं या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ रिटेल सेट किया क्योंकि मैंने अपने बिजनेस का जो नाम है वो एक किराने की शॉप से बनाया था। उसके नीचे वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे लोकेशन ऑन करने की परमिशन मांगा जा रहा है। तो हम जैसे इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर गूगल का जो है मैप खुल के आ जाएगा और यहाँ पर हम अपने एड्रेस को फिल करेंगे। उसके बाद ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली लोकेशन मोबाइल से सर्च होके यहाँ पर सेट हो जाएगी। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में अन्य जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ईमेल पर क्लिक करेंगे। ईमेल डालने के बाद फ्रेंड्स हम ग्रीन सर्कल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ईमेल आईडी डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम अपने डिजिटल खाते का बैकअप इस ईमेल आईडी के थ्रू अपने गूगल ड्राइव में ले लेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर ईमेल आईडी सेव हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें अपने बिजनेस के बारे में डिटेल उसके नीचे वाले ऑप्शन में डालनी है। तो मैंने यहाँ पर ग्रोसरी, किराना, कॉस्मेटिक आदि का डिटेल डाल के हम यहाँ पर ग्रीन सर्कल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपना नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके नीचे आपके बिजनेस कार्ड साझा करें का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका एक बिजनेस कार्ड भी प्रोफेशनल रूप में बनकर आ जाएगा। तो आप इसको नीचे संदेश भेजे पर क्लिक करेंगे। इस कार्ड को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बैक करेंगे, फिर से 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपके कितने ग्राहक हैं या जिनको आपने पैसा उधार दिया है वो कितने लोग हैं। उसके नीचे जो बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है इससे पता चलेगा कि आपको कितना पैसा टोटल आपका जो है उधारी में फंसा हुआ है, कितना आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों सारे लेन देन के नीचे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हमारा कितना लेन देन हुआ है। तो सबसे पहले आज बनकर जहाँ पर आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम डेट वाइज देख सकते हैं कि किस दिन हमारा कितना लेन देन हुआ है। हम जो भी कुछ देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके हमें ओके पर क्लिक कर देना है और अपनी टेल को यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे कुल बैलेंस है जहाँ पर हमारी उधार राशि दिखाई दे रही है 1000 रुपये। पेमेंट का एक सेक्शन बन के आता है जहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कितने हमारी पेमेंट आई है आज की डेट में, यानी कि 23 तारीख में। राइट साइड में उधार की डिटेल दिखाई देती है कि आज की डेट में यानी कि 23 तारीख में हमने कितने लोगों को उधार दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 लोगों का उधार दिखाई दे रहा है। उसके नीचे फ्रेंड्स दी गई छूट के बारे में वर्णन है, कितने लोगों को हमने छूट दी है। दी गई छूट के नीचे आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को हमने उधार दिया है वो अमाउंट रेड में शो हो रही है और जिन लोगों से हमें पेमेंट मिली है वो ग्रीन में शो हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें सारे लेन देन की एक ऑप्शन मिल जाता है और ऑनलाइन लेन देन यानी हमें डिजिटल किसी ने पेमेंट करी है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। ऑनलाइन लेन देन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी कोई लेन देन का हिसाब मौजूद नहीं है। आपको जिस भी डेट पर क्लिक करना है आप आज पर क्लिक करिए, जो भी डेट सेलेक्ट करनी है उस पर करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो
तो आपको सारी डिटेल इस तरह से ऑनलाइन लेन देन की भी मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम बैक करेंगे, सारे लेन देन का जो ऑप्शन आ रहा है उसके आगे एरो का निशान है, उस पर क्लिक करके फिर से सारे लेन देन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके सारी डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं एक डिजिटल रूप में। उसके नीचे फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं अपना डाटा डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अगर अपनी ट्रांजेक्शन की जो भी डिटेल है उसको अगर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना डाटा डाउनलोड करें पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स का नीचे सुरक्षा पर करना है क्लिक। यहाँ पर फ्रेंड्स तीन ऑप्शन बन के आ जाते हैं, तो जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके करंट मोबाइल नंबर पर जिससे आपने अपना ओके क्रेडिट का खाता बना रखा उस पर एक ओटीपी आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है अपना नया पासवर्ड एक कोई सेट कर लेना है और ओके के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक पासवर्ड ओके क्रेडिट के लिए सेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ऐप लॉक का मिल जाता है, यानी कि हम अपने ओके क्रेडिट में अपना एक पिन नंबर का लॉक लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये लॉक आपका जो फ़ोन में अगर आपने कोई पिन नंबर का लॉक लगा रखा है 4 डिजिट का तो वही पासवर्ड यहाँ पर डालने पर हमारा ये ऐप लॉक लग जाएगा। जब भी हम अपने ओके क्रेडिट के डिजिटल खाते को या ऐप को ओपन करेंगे तो हमेशा हम उस पिन नंबर को वहाँ पर डालना पड़ेगा एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं इस ऐप लॉक के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है मुझे पुष्टि करने के लिए फ़ोन का 4 नंबर का डिजिट का पिन नंबर यहाँ पर डालना होगा, और डालते ही फ्रेंड्स मेरा जो है यहाँ पर ये ऑप्शन बंद हो गया। अगर मैं इस ऐप लॉक को फिर से चालू करूंगा तो मुझे दोबारा से अपने फ़ोन नंबर का 4 डिजिट का पिन नंबर डालना होगा और उसके बाद हमारा जो है ऐप लॉक फिर से चालू हो जाएगा। उसके बाद सभी फ़ोन से साइन आउट करने वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपके करंट मोबाइल नंबर पर जिससे आपने अपना ओके क्रेडिट का डिजिटल खाता बना रखा है उस पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ओटीपी मेरे फ़ोन में आया और मेरा वेरीफाई हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक अपना 6 डिजिट का कोई पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने इस ओके क्रेडिट में जिनको हमने उधार दिया है उनका कैसे नाम जोड़ सकते हैं, अपने डेब्टर्स यानी कि देनदारों को कैसे नाम जोड़ सकते हैं। देख सकते हैं कि नीचे ग्राहक जोड़े का ऑप्शन आ रहा है, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर अपने ग्राहक का नाम जोड़ना है जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई सामान उधार दे रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है उस हिसाब से। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक ग्राहक का नाम जोड़ दूंगा, हम सर्कल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप अपने कस्टमर का यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, नाम और उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स हमें राइट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका नाम जोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिल्टर लगा एक ऑप्शन आ रहा है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लीजिए कि आज पेमेंट लेने का दिन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई करें पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं कि पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी। उसी तरह से फ्रेंड्स मान लीजिए कि कोई डेट आपने किसी कस्टमर को दे रखी थी, जैसे कि आज 23 तारीख है और आपने लास्ट डेट 21 को दी थी, तो आप अगर उधार देने वाले दिन पार हो चुका है उस पर क्लिक करेंगे और ऊपर वाले ऑप्शन को हम हटा देते हैं और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो भी डिटेल खुल के आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है तो लिखा आ जाएगा कोई एंट्री नहीं मिली। तो ये फिल्टर से आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पर सहूलियत और आपके लिए हो जाएगा ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान। उसके नीचे वाले ऑप्शन में उधार जिनका पेमेंट जल्दी लिया जाएगा ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और ऊपर वाले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करने पर वो ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा जिनको आपने उधार दिया है, क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी अभी इससे रिलेटेड कोई उस तरह की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने व्यापार के हिसाब किताब को यहाँ पर रख सकते हैं, किस कस्टमर से कितनी पेमेंट आई और किसको हमने कितना उधार दिया। मान लीजिए रोहित कुमार ने मुझसे आज सुबह 2000 रुपये का सामान उधार लिया तो हम उधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी अमाउंट डालेंगे, यहाँ पर तारीख का ऑप्शन आ रहा है, आप अपनी तारीख सेलेक्ट कीजिए। अगर 21 तारीख में लिया है 16 तारीख में लिया है जो भी आपकी तारीख है उससे अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। 21 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा। अगर आपके पास कोई बिल है तो आप कैमरे पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी गैलरी में कोई पहले से फोटो है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर कैमरे से क्लिक करके भी डाल सकते हैं। मैं एक गैलरी से आप लोगों को दिखाने के लिए एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ बिल के रूप में। उसके बाद हम ग्रीन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास और कोई बिल है तो आप दोबारा से कैमरे पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक फ़ोटो बिल के रूप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड अगर आपको और कोई बिल ऐड करने हैं तो यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है वहाँ से डिलीट कर सकते हैं और जो ग्रीन सर्कल बनकर आ रहा है इस पर आप क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बिल सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे देख सकते हैं विवरण जोड़े का ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपने उधार किस पर्पस से दिया है आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए किराने का सामान प्लस पूजा का सामान इस तरह से लिखा है। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जिस हिसाब से भी उधार दे रहे हैं, आप उसको यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हैं। ये सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद हमें राइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरी बिल की फोटो यहाँ पर एक बन के आ गई है जिसको मैंने
यहाँ पर एक प्रूफ के तौर पर यानी कि सबूत के तौर पर जो मैंने यहाँ सेव किया था उसके नीचे मैंने जो विवरण दिया था किराने का सामान प्लस पूजा का सामान उसकी पूरी डिटेल आ रही है लिखा हुआ क्या बकाया राशि है इस वाले ग्राहक पर मेरे यानी कि रोहित जो मेरा ग्राहक है उस पर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक तारीख सेट कर सकते हैं कि इस तारीख तक इसे ये पेमेंट करनी है, तो हम यहाँ पर नियत तारीख सेट करें पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर 24 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा रहा है उधार जिनका पेमेंट जल्द ही लिया जाएगा और इस पर एक SMS जो है अपने आप भेज दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजे का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही आप किसी कस्टमर को ऐड करेंगे उसका एक मोबाइल नंबर भी नीचे सेव करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। उस मोबाइल नंबर से अगर कोई व्हाट्सअप नंबर है तो उस पर एक व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको एक मैसेज ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारे जो हमने डेट सेट करी है उसके बाद चला जाएगा जिस डेट में हमें पेमेंट लेनी है, और आप ग्राहक को कॉल भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि 24 तारीख हमने डेट सेलेक्ट करी और इस 21 तारीख में रोहित ने हमने 2000 का सामान लिया था, मान लीजिए कि इस बीच में मुझे कुछ पैसा मेरा कस्टमर मुझे दे देता है, तो हम उस पेमेंट को कैसे अपने इस डिजिटल खाते में ऐड करेंगे। तो यहाँ हम पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी अमाउंट हमारे पास आई है उधार में से उस अमाउंट को ऐड करेंगे। मैं 800 रुपये ऐड कर लेता हूँ, किस डेट में आई है उस डेट को ऐड करेंगे। चलिए मैं 22 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 21 तारीख में मुझसे 2000 रुपये का सामान मेरा कस्टमर मुझसे ले गया था। ओके पर क्लिक कर दूंगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप अगर कोई बिल है तो उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके आप रख सकते हैं, कैमरे पर क्लिक करेंगे यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप इस पेमेंट की कोई विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, मान लीजिए कि रोहित के पास टाइम नहीं था और उसने अपनी पेमेंट जो है उसके छोटे भाई से भिजवा दी मेरे पास, तो मैं लिख दूंगा कि रोहित की पेमेंट उसके छोटे भाई ने दी है मुझे। इस तरह से आप भी कोई अपनी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद राइट पर हम क्लिक कर देंगे। अभी देखिए मेरी यहाँ पर 800 रुपये की पेमेंट यहाँ पर मेरे को जो है 22 तारीख में आ गई है। उसके बाद उसकी एक छोटी सी डिटेल जो हमने विवरण दिया था वो भी उसके नीचे लिखा रहा है कि रोहित की पेमेंट उसके छोटे भाई ने दी, और अभी मेरा जो उधार इस कस्टमर पर रह गया है वो 1200 रुपये रह गया है। उसके बाद नीचे देखिए फ्रेंड्स नीचे कॉल का और संदेश भेजे का दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो कॉल कर हम कॉल भी कर सकते हैं अपने इस कस्टमर को पेमेंट के लिए, और कोई संदेश भेजना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसका अगर कोई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है तो आप उस पर भी उसको जो है मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको कुछ अपने कस्टमर की कोई पूरी डिटेल देखनी है उसके नाम पर करना होगा आपको ऊपर क्लिक, तो जैसे ही मैंने रोहित के नाम पर क्लिक किया तो फ्रेंड्स उसकी पूरी प्रोफाइल हमारे ओके क्रेडिट में पूरी डिजिटल रूप में खुल के आ जाएगी। उसकी अगर कोई फोटो अगर आपने सेव कर रखी है तो फोटो यहाँ शो हो जाएगी, उसका नाम, उसका रिमाइंडर ऑन, देखिए यहाँ रिमाइंडर ऑन का ऑप्शन आ रहा है। व्हाट्सएप पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको जो है कोई अपना जो है लिंक भेज सकते हैं SMS के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। कस्टमर का कोई एड्रेस है तो वो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं पता जोड़े में। मान लीजिए कि आपका कोई ग्राहक अब आपसे सामान नहीं ले रहा है या फिर उससे आपने लेन देन ख़त्म कर दिया है हमेशा के लिए, आपका लेन देन का हिसाब किताब था वो बिल्कुल जीरो हो चुका है और उसका डिजिटल खाता आपके फ़ोन में कार का पड़ा हुआ है, तो आप ग्राहक डिलीट करें के ऑप्शन पर क्लिक करके उसके खाते को डिलीट कर सकते हैं। बैक करने के बाद फ्रेंड्स और भी चीज़ें हम जान लेते हैं। रोहित कुमार के बगल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसको हम अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं कि उसका क्या बैलेंस है और उसको कितना पेमेंट अभी करना है और कितनी पेमेंट उसने कर दी है। उसके बगल में जो 3 डॉट्स आ रहे हैं उस पर क्लिक करने पर हम कॉल कर सकते हैं, हमें क्या मदद चाहिए उस पर हम जब क्लिक करेंगे। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ओके क्रेडिट से तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। ग्राहक संबंधित प्रश्न का एक ऑप्शन बन के आ जाता है। लेन देन से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर क्लिक करके समस्या को बता सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे संपर्क करें के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू या अपनी ईमेल के थ्रू ओके क्रेडिट से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऊपर ग्राहक खोजे या जोड़े का ऑप्शन आ रहा है। मान लीजिए कि आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, सेम नाम के कस्टमर हैं, आपको रवि नाम के कस्टमर से अपने पेमेंट लेनी है और बहुत सारे उस नाम के लोग हैं, तो आप रैंडमली आर नाम के या फिर सेम नाम के जो भी बंदे हैं आप इस पर टाइप करेंगे उनकी डिटेल का खाता यहाँ पर खुल के आ गया है A to Z। तो जिस भी नेम का कोई कस्टमर सर्च करना है सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, ये अपना खाता आप शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। अगर आपको कोई फ्रेंड सहायता चाहिए तो आप सहायता पर क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको जो है इस तरह के सहायता के लिए यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, आपको जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम है आप उस पर क्लिक करके आप अपने संबंधित प्रश्न ओके क्रेडिट से पूछ सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल बाय डिटेल सारी चीज़ मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस ऐप की एक बहुत अच्छी और ख़ास बात यह है कि आपने किसी कस्टमर को उसका उधार चुकाने की कोई लास्ट डेट दे रखी है तो वो डेट पूरी होते ही हमारे इस मोबाइल में एक नोटिफिकेशन टोन बजती है जिससे हमें पता चल जाता है
कि हमारे उस कस्टमर की लास्ट डेट अब हो चुकी है पूरी और हमें उससे लेनी है पेमेंट। साथ ही फ्रेंड्स हमारे ऐप में मैसेज भी बनकर आ जाता है, देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर, रोहित कुमार और रवि दोनों का मैसेज बनकर आ रहा है कि उधार देने वाला दिन पार हो चुका है 6 दिन पहले। मैं रोहित कुमार पर क्लिक कर लेता हूँ। हम अपने पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं उसके व्हाट्सएप पर। उसके लिए हमें करना होगा फ्रेंड्स पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजे ऑप्शन पर क्लिक। हम व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट कर लेंगे, कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन सर्कल पर हम क्लिक कर देंगे, सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने कस्टमर को उसकी बकाया राशि के भुगतान करने के लिए एक मैसेज भेज दूंगा। देख सकते हैं लिखा रहा गोपाल किराना स्टोर को 1200 रुपये का भुगतान करना बाकी है, कृपया जल्दी से जल्दी भुगतान करें। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि यार फ्रेंड्स वीडियो बनाने में लगती है बहुत ज्यादा मेहनत, और आपका प्यार और सपोर्ट अगर मुझे आपके एक लाइक के रूप में मिलेगा तो मुझे लगेगा बहुत ज्यादा अच्छा, और मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी इस तरह की यूजफुल वीडियो बनाता रहूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टेक्निकल यूजफुल इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।